आदरणीय मित्रों नमस्कार, चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। और आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ऑर्डर नंबर 9 एज पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, इसको कवर करेंगे। और बेसिकली देखिए, ऑर्डर नंबर 9 पार्टी की अपीयरेंस और नॉट अपीयरेंस की बात करता है। और यदि पार्टी कोर्ट में अपीयर गिवन डेट पर नहीं होती तो क्या कोर्ट केस को डिसमिस कर सकता है क्या? और इन केस यदि कोर्ट केस को डिसमिस कर देता है तो व्हाट रेमेडी इज अवेलेबल टू द पार्टीज, इसको डिस्कस करेंगे। और एक्स पार्टी ऑर्डर क्या होता है, इसके जब आगे रूल नंबर देने पड़ेंगे, और एक्स पार्टी ऑर्डर को सेटिस्फाइड कराने के लिए क्या करना होता है, इन सारी बातों को इस ऑर्डर नंबर 9 के रूल में 14 रूल दिए गए हैं, इसको क्रमबद्ध तरीके से इसको स्टडी करेंगे। और यदि आप लॉ स्टूडेंट हैं तो ये इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और बेसिकली इंटरव्यू में इसके बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हमेशा होते रहे हैं। और दूसरा, यदि आप प्रैक्टिस में भी हैं तो प्रैक्टिस में भी ऑर्डर नंबर 9 का रूल कोर्ट में प्रतिदिन किसी ना किसी रूप में होता है, तो आप पेशेंस रखिए और वीडियो में ध्यान से बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 1। देखिए, हमने अभी इससे पहले वीडियो में पढ़ा हुआ है कि प्रिंट क्या होता है, रिटन स्टेटमेंट क्या होता है, प्लीडिंग क्या होती है, समन कैसे इशू होते हैं, सारी बातें हमने पढ़ी हुई है पहले वीडियो में। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति कोर्ट में केस फाइल करता है, सूट फाइल करता है और अपना प्लेंट लेकर के जाता है, तो सबसे पहले कोर्ट डिफेंडेंट को समन इशू करती है। और जब समन इशू हो जाता है, उसका मतलब यही होता है कि डिफेंडेंट उस निश्चित तारीख पर, जो तारीख जो डेट उसमें फिक्स की गई है उस समन में, उस डेट को कोर्ट में आए व्यक्तिगत रूप से या अपने प्लीडिंग के प्लीडर के माध्यम से, और कोर्ट में आकर के अपना रिटन स्टेटमेंट दाखिल करे। और यहीं से कोर्ट की प्रोसीडिंग, जब WS लेकर के जो डिफेंडेंट आता है तो कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है, रूल नंबर 1 कहता है। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 2। देखिए, रूल नंबर 2 केस के डिसमिस होने की बात करता है। यदि प्लेंटिव की किसी डिफॉल्ट की वजह से, प्लेंटिव वादी की किसी गलती की वजह से डिफेंडेंट को समन इशू नहीं हो पाए, समन नहीं वहां तक जा पाए, जैसे गलती क्या हो सकती है, जो कोर्ट फीस थी मान लिया वो प्लेंटिव ने जमा नहीं की, या जो पोस्टल चार्जेस लगने थे वो वादी ने जमा नहीं किए, या दूसरी बात ऑर्डर 7 रूल 9 के अनुसार प्लेंट की कॉपी ही कोर्ट में प्लेंटिव ने दाखिल नहीं की, तो बहरहाल किसी गलती की वजह से वादी की समन इशू नहीं हो पाते हैं डिफेंडेंट को, तो कोर्ट क्या करेगा, केस को डिसमिस कर देगा, निरस्त कर देगा। यहाँ एक एग्जेम्पशन, यहाँ छूट ये दी गई है और रूल नंबर 2 में, यदि डिफेंडेंट कोर्ट में गिवन डेट को, जो डेट निश्चित की गई थी उस डेट को आ जाता है, भले ही उसको समन इशू ना हुआ हो, समन न मिला हो, तो फिर कोर्ट क्या करेगा, केस को डिसमिस नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली पर्पस समन का यही था कि डिफेंडेंट कोर्ट में आ जाए निश्चित तारीख पर, और डिफेंडेंट चूंकि कोर्ट में आ गया तो अब कोर्ट की प्रोसीडिंग केस की शुरू कर देगा कोर्ट, अब केस को डिसमिस नहीं करेगा। ये ऑर्डर नंबर 2 बता, रूल नंबर 2 बताता है। और रूल नंबर 3 देखिए, बहुत ही सिंपली है। रूल नंबर 3 बेसिकली ये कहता है, यदि उस निश्चित किस डेट को प्लेंटिव या डिफेंडेंट दोनों में से कोई भी नहीं आता, तो कोर्ट मे मेक एन ऑर्डर दैट शुड बी डिसमिस, यानी कोर्ट चाहे तो केस को डिसमिस कर सकता है। देखिए, यहां मे शब्द का यूज किया गया है, मे मींस इसका मतलब ये कोर्ट की डिसमिस करने की कोई मैंडेटरी नेचर नहीं है, कोर्ट चाहे तो केस को डिसमिस कर सकता है, और कोर्ट यदि ना चाहे तो कोई नेक्स्ट फ्यूचर की डेट केस में दे सकता है। ये था रूल नंबर 3। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 4। देखिए, रूल नंबर 4 जनरली ये बताता है, यदि रूल नंबर 2 के अनुसार या रूल नंबर 3 के अनुसार केस को डिसमिस कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, तो प्लेंटिव के पास क्या रेमेडी है, प्लेंटिव के पास, वादी के पास दो रेमेडी है। एक तो वो फ्रेश सूट सेम काजो के एक्शन पर ला सकता है, नया सूट उसी सब्जेक्ट मैटर पर फाइल कर सकता है। दूसरी रेमेडी क्या है, वो एक एप्लीकेशन उस ऑर्डर को, जो ऑर्डर खारिज का, जो डिसमिस ऑर्डर इसने कोर्ट ने ग्रांट किया था, उसको रेस्टोर कराने के लिए एक एप्लीकेशन, रेस्टोरेशन एप्लीकेशन दे सकता है।
और रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन देने से ऐसा नहीं कि कोर्ट आपका केस तो रेस्टोर कर देगा, उस ऑर्डर को खारिज कर देगा। आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड होनी चाहिए एप्लीकेशन के साथ कि उस दिन अनुपस्थित होने का एक सफिशिएंट रीजन आपके पास होना चाहिए। अगर और रीजन केवल फॉर्मल नहीं, उसको वो रीजन का पर्याप्त और वास्तविक होना जरूरी है। यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि पर्याप्त कारण है रेस्टोर करने का, तो कोर्ट उस ऑर्डर को निरस्त करके केस की प्रोसीडिंग पुनः दोबारा से नए तरीके से शुरू कर सकता है। ये था रूल नंबर 4। ऑर्डर नंबर 9 का रूल नंबर 6 ये कहता है, जब प्लेंटिव यानी वादी तो कोर्ट में उपस्थित है उस गिवन डेट को और प्रतिवादी डिफेंडेंट कोर्ट में हाजिर नहीं होता तो क्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो कोर्ट ये देखता है कि डिफेंडेंट को समन इशू हुआ है या नहीं हुआ है, समन की तामील पर्याप्त हुई है कि नहीं हुई है। अगर समन की तामील पर्याप्त हो चुकी है डिफेंडेंट को और उसके बाद भी डिफेंडेंट कोर्ट में नहीं आया, तो कोर्ट क्या करेगा, फिर एक्स पार्टी सुनवाई शुरू कर देगा। एक्स पार्टी हम आगे पढ़ेंगे जब इसका रूल नंबर 13 डिस्कस करेंगे। एक्स पार्टी अब यहाँ ये केवल ये समझ लीजिए कि एक पक्ष से कार्रवाई वो शुरू कर देगा, कोर्ट वादी की बात सुनना शुरू कर देगा। ये तो थी यदि समन इशू हो गया तो। अच्छा, दूसरी कंडीशन यहाँ ये हो सकती है, वादी उपस्थित है डिफेंडेंट नहीं आया, तो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि उसको समन इशू ही ना हुआ हो। अगर कोर्ट ये देखती है कि फाइल में कि उसको समन इशू नहीं हुआ है या समन की तामील नहीं हुई है, तब क्या करेगा कोर्ट, ऐसी कंडीशन में एक पुनः समन इशू करने के लिए डायरेक्शन पास कर देगा। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, यदि कोर्ट का डिफेंडेंट को समन की तामील हो गई है लेकिन वो उसको समय पर्याप्त नहीं मिला है, मान लिया 2 दिन या 3 दिन या 1 दिन का समय उसको मिला है, वो समय पर्याप्त नहीं है और उतने समय में वो डिफेंडेंट क्या है अपना WS तैयार नहीं कर सकता या वकील नियुक्त नहीं कर सकता, तो अब भी कोर्ट भविष्य की कोई डेट फिक्स कर देगा और कोर्ट की प्रोसीडिंग उस दिन के लिए पोस्टपोन करके कोई नई डेट लगा देगा। रूल नंबर 8, प्रोसीजर व्हेन ओनली डिफेंडेंट अपीयर। देखिए, अभी रूल नंबर 6 में तो बताया गया था जब वादी उपस्थित हो, प्रतिवादी गैरहाजिर हो, लेकिन यहाँ 8 में क्या है, डिफेंडेंट तो अपीयर है, प्रतिवादी उपस्थित है और वादी अनुपस्थित है, तो कोर्ट क्या करेगी, ऐसी कंडीशन में भी कोर्ट केस को डिसमिस कर देगी। क्यों? क्योंकि जो वादी है जब उसे ही अपने केस में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर कोर्ट उस मामले को डिसमिस कर देगी। लेकिन एक बात यहाँ ये है, एग्जम्पशन ये है, यदि हाँ कोर्ट में डिफेंडेंट आकर के ये कह देता है, उसके दावे को स्वीकार कर लेता है या दावे के कुछ पार्ट को स्वीकार कर लेता है, तो कोर्ट जितने दावे को स्वीकार करता है उसके डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट वो फिर डिग्री कोर्ट पारित कर सकता है। ऑर्डर रूल नंबर 9, ऑर्डर नंबर 9 का रूल नंबर 9 ये कहता है, बार फ्रेश सूट, यानी फ्रेश सूट लाना बार होगा कब, जैसे ऑर्डर नंबर 8 के अनुसार जब डिफेंडेंट की बात सुन करके कोर्ट ने वाद पत्र के किसी हिस्से को स्वीकार कर लिया है, किसी पार्ट को वादी के खारिज कर दिया है या पूर्ण रूप से वादी के दावे को खारिज कर दिया है, तो क्या करेगा, तो फिर वादी उस सेम काज ऑफ एक्शन पर नया सूट नहीं ला सकता, फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो फिर रेस सब जुडिकाटा यानी प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिकाटा लागू हो जाएगा, बल्कि वो क्या कर सकता है, फ्रेश सूट के बजाय उस ऑर्डर को सेट असाइड कराने के लिए एक नई एप्लीकेशन दे सकता है। और नई एप्लीकेशन देने का मतलब ये नहीं कि सूट जो ऑर्डर जो डिग्री पास की गई थी ऑर्डर रूल नंबर 8 में उसको सेट असाइड होगी, बल्कि क्या है, उस एप्लीकेशन में आपको एक रीजन देना पड़ेगा, पर्याप्त रीजन देना पड़ेगा, एक ग्राउंड बतानी पड़ेगी उस दिन एब्सेंट होने के लिए, सफिशिएंट कारण आपको बताना पड़ेगा। यदि कोर्ट आपके उस रीजन से संतुष्ट हो जाती है तो फिर उस आदेश को, उस डिग्री को कोर्ट सेट असाइड कर सकती है। चाहता है रूल नंबर 10, प्लेंटिव आर मोर देन वन, यदि केस में वादी एक से ज्यादा है, मान लिया 5 वादी है, तो देखिए उनमें से यदि एक भी कोर्ट में प्रेजेंट है तो फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग नॉर्मल वे में चलती रहेगी, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। चाहता है रूल नंबर 11, डिफेंडेंट आर मोर देन वन, यदि प्रतिवादी की संख्या एक से ज्यादा है, तो देखिए उनमें से मान लिया 4 प्रतिवादी है तो उनमें से कम एक प्रतिवादी का कोर्ट में हाजिर होना उस वक्त जरूरी है। और यदि कोर्ट स्पेशली किसी
एक किसी प्रतिवादी को स्पेशली कोर्ट बुलाती है, तो यदि वो डिफेंडेंट नहीं आता तब फिर कोर्ट चाहे तो उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है।